आज महिला दिन है और भारतीय नारी की महिमा अपने आप में मर्यादा पालक के रूप में हमेशा से रही है। भारतीय नारी जहाँ तक बने अपनी मर्यादा में रही है। आजकल लड़कियां मर्यादा तोड़ रही है, ये बात अलग है, किंतु शुरू से हमारी यहाँ पर नारियों ने मर्यादाओं को संभाला है। और नारी कैसी होनी चाहिए ये हमारे संस्कृत साहित्य में आचार्य भगवान ने हमको बताया था, कहा था कि नारी कैसी होनी चाहिए। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता रमणेषु रंभा क्षमानुकूला क्षमया धरित्री सा दुर्लभा नारी षड्गुणवती हो। नारी कैसी चाहिए? पहले कार्येषु मंत्री, कार्य हमारे पिता हमारे पति कौन सा कार्य कर रहे हैं वो देखने वाली चाहिए। ये नहीं कि पाप का पैसा घर में आ रहा है और नारी चुपचाप बैठी है, नहीं, वो विचार करेगी कि मेरे घर में कौन सा धन आ रहा है, कैसा धन आ रहा है, अन्याय का आ रहा है या न्याय का आ रहा है। कार्य में हमेशा मंत्री की भूमिका करने वाली बुद्धिमान स्त्री होती है। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, और घर का काम करने के लिए जिम्मेवारी उठाने के लिए दासी की भूमिका भी करनी पड़े तो आगा पीछा नहीं देखती। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता, और भोजन कराते समय वो माता की भूमिका रखते हैं। भोजन करने वाले ज्यादा से ज्यादा किस तरह से संतुष्ट होकर के आहार करे इसका उसके तरफ उसका ध्यान होता है, और वो कभी ये विचार नहीं करती कि मेरे लिए कुछ बचेगा या नहीं। जो भी है वो परोसने में और भोजन कराने में उसकी भूमिका अहम रहती है। भोज्येषु माता रमणेषु रंभा, और पति के साथ समझदारी के साथ हमेशा सहयोग करने वाली नारी होती है रमणेषु रंभा। नंतर उसके बाद कहा है क्षमानुकूला क्षमया धरित्री, जैसे धरती क्षमावान होती है, चाहे जितने पैर उस पे पड़े तो वो कभी भी उफ नहीं करती। तो इस तरह से क्षमानुकूला क्षमया धरित्री, मतलब धरती के समान। पहली बात तो वो क्षमानुकूला, क्षमा करने के लिए अनुकूल ही बनी रहती है। कभी वो विचार नहीं करती मैं इसका बदला लूंगी, इसको दिखा दूंगी, ऐसी बात की उसमें नहीं होती। वो क्षमानुकूला होती, क्षमा के अनुकूल बन जाती है। क्षमया धरित्री, जैसे धरती क्षमा में आगेवान होती है, ऐसे घर की नारी भी हमेशा क्षमा के लिए अनुकूल रहती है। ऐसी 6 बातें जिस स्त्री के अंदर हो वो भारत की आदर्श नारी कहलाती है। भगवानों, हमारे देश में इंदिरा गांधी ने राज किया, ये राजकारण और बात है, राजकारण की बातें हम नहीं जानते, किंतु एक ऐसी हिम्मत बहादुर नारी थी, इतनी खूबसूरत नारी थी कि उसने एक बार तो अपना अस्तित्व जमा के ही दिखाया। पूरे भारत के सारे पुरुष तो जैसे महिला की भूमिका करते थे और वो महिला थी वो पुरुष की भूमिका करती थी, ऐसी नारी। जब उसका स्वर्गवास हुआ 1984 के अंदर, हम घोड़ नदी में थे, तो उस समय उसके लिए कुछ पंक्तियां हमने बनाई थी। नारी तेरी कर्तबगारी से तू हो गई जग में महान, सारी तेरी सारी दुनिया जिंदा दिल पे तेरी हो रही कुर्बान, नारी तेरी कर्तबगारी गई पे तू हो गई जग में महान। इंदिरा गांधी याने भारत, भारत आने तू देश के खातिर मौत शिकारी फैल रही खुशबू। बढ़ाई तूने भारत देश की जग में ऊंची शान, नारी तेरी कर्तबगारी से तू हो गई जग में महान। सारी दुनिया जिंदा दिली पे तेरी हो रही है कुर्बान। इस तरह से नारी को महिला भी कहते हैं। मही को जो हिला सकती है वो महिला कहलाती है। मालिक के नारी के अंदर इतनी ज्यादा सहनशीलता होती है, इतनी ज्यादा अंदर की ताकत होती है कि वो चाहे सो करके दिखा सकती है। उसने मन में एक बार धारण कर लिया तो वो काम करके ही दिखाती है। उसके अंदर ऐसी एक सुप्त ताकत होती है। भगवानों, नारी अगर ना होते तो हमारे भगवत शक्तियों के दर्शन हमें कहाँ से होते। नारी नारी मत कहे नारी नर की खान, नारी नारी मत कहे नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए राम कृष्ण वर्धमान, नारी से पैदा हुए राम कृष्ण वर्धमान। भगवानों, आज का दिन महिला दिन है, नारियों का दिन है और नारियों को चाहिए कि आज वे संकल्प करें कि हम अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपनी लज्जा को संभालते हुए और हम अपनी ताकत को अपने देश के लिए, अपने जिन शासन के लिए, अपने धर्म के लिए समर्पित करेंगे और करके दिखाएंगे। ऐसी ताकत हर नारी में है। वो नारी अपनी ताकत को जगाए और अपना काम करके दिखाए। ऐसी सद्भावना आज नारी के दिन में, महिला के दिन में, आज महिला दिन के उपलक्ष्य में हम अपनी तरफ से व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देते हैं। तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। नारी के पास बहुत शक्ति होती है और लड़कियों को हम कहते हैं तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। हर घर को तुम स्वर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। बिना नारी का घर तो स्मशान जैसा लगता है। नारी के कारण से घर में घरपना आता है, घर में एक ताकत आती है और अंदर में नारी अगर हो, बच्चों को खिलाने वाली हो, सबको समझाने वाली हो, सबको संस्कार देने वाली हो, तो ऐसी नारियां हमारे लिए वंदनीय पूजनीय होती है।